हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी। जी क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं कुछ भी नहीं, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोलने आई और किसी के फेवर में भी नहीं बोलने आई। मैं आपकी बस बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हमेशा आपके शोज देखती हूँ। और वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं मुसलमान हूँ मैं कहूँगी, लेकिन मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं हमेशा आपके शो देखती हूँ। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, मैं काफी देर से आपकी बातें सुन रही थी। कोई इस्लाम को बुरा कह रहा है, कोई इस्लाम को अच्छा कह रहा है, कोई कहता है हिंदू बुरा है, हिंदू मतलब मजहब बुरा है, हिंदू अच्छा है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि शायद सारी चीज मेंटेलिटी की होती है। जाहिर है, जब हम पाकिस्तान में थे तो हमको सिखाया जाता था कि हिंदू मजहब बहुत खराब है, मतलब हिंदू लोग अच्छे नहीं होते, या क्रिश्चियन लोग तो सिर्फ गटर साफ करने। माइंड ही कहिएगा किसी के, वो नहीं, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, हमें वहां यह सिखाया जाता है। लेकिन जब आप बाहर के मुल्क जाते हो, जैसे मुझे 7 साल हो गए, और जैसे अभी आपने खुद कहा मालिज के, जब इंसान को सब कुछ खुद करना पड़ता है और लोगों से मिलना मतलब आप काम करते हो और हर मजहब हर चीज आप अपनी आंखों से देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि असल दुनिया क्या है। ना तो हिंदू लोग बुरे हैं, ना क्रिश्चियन लोग बुरे, हर मजहब में। मैं इस पाकिस्तान में रहते हुए भी मुझे अच्छे मुसलमान भी मिले तो बुरे भी मिले, और यहाँ पे रहते हुए भी मुझे ऐसे मुसलमान भी मिले जो कि जिनसे मैं कहूंगी कि बस मुझे अल्लाह बचाए, बस मैंने इनका सामना जिंदगी भर नहीं करना। बहुत से मुझे हिंदू अच्छे लगे कि ये लोग यहाँ पर मौजूद है मेरी हेल्प करने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो कोई भी दुनिया का रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी मजहब आपको ये नहीं सिखाता कि आप झूठ बोलें, धोखा दें, किसी के साथ आप गलत करें। चाहे आप मुसलमान हो हिंदू हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, और ये मजहब इंसान ने बनाए हैं। ये एक मुझे यहाँ के एक हिंदू ने ये बात समझाई तो मुझे समझ आई कि देखो मजहब इंसान ने खुद बनाए हैं, एक दूसरे से लड़ने का बहाना चाहिए था। अगर मजहब नहीं होते ना तो हम कोई और चीज ढूंढ लेते लड़ने के लिए, क्योंकि हमें बहाना चाहिए लड़ने का। अगर मजहब नहीं होते ना, हम यकीन करें हम इंसान कुछ ना कुछ ढूंढते रहते एक दूसरे को बुरा कहने के लिए। तो चाहे वो, बस मैं शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि दुनिया के सारे मजहब हमें सिर्फ यही सिखाते हैं, इंसानियत। पहले आप अच्छे इंसान बनो, एक दूसरे की मदद करो। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करते तो चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। अगर आप, जब आपको जरूरत है आप मदद नहीं कर रहे, तो आप चाहे किसी भी मजहब के, अगर आपने किसी इंसान की मदद नहीं की ना, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने दूसरे की मदद की, आप उस टाइम थे, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप हर मजहब के इंसानों से ऊपर हो। आप अच्छे मुसलमान हो, आप अच्छे हिंदू हो, आप अच्छे क्रिश्चियन हो, आप खुदा तो एक है ना, ये तो हमारा बिलीफ होना चाहिए। हम खुद खुदा एक है और हमने उसको डिफरेंट नाम दे दिए, ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है, हर कोई जानता है ये बात। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये हमारी अपनी सोच के अंदर है कि हम कहते हैं कि फलाना अच्छा है फलाना बुरा है, मजहब के लिहाज से। बस मैं यही कहना चाहूंगी। अस्मा जी, देखें, हर मुझे अच्छा लगता है कि हर कोई आए मेरे चैनल पे। मैं ज्यादातर प्रिफर करती हूँ कि मुसलमान लोग हैं, क्योंकि देखो मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं नहीं कहती कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंडियंस यहाँ नहीं आए, मैं इंडियंस को भी कहती हूँ आए यहाँ पे, मगर मुझे हिंदू रिलीजन का इतना मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इस्लाम के बारे में मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे भी अपनी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें यही सिखाया जाता है जो आपने अभी बोला ना, अपने झूठ नहीं बोलो, अपने नेबर के साथ अच्छे बनो, कि बीवी की पिटाई और कि बच्चों के साथ गलाजत करना, या चार शादियों का तो खैर मुझे पता था, और भी चीजें हैं, लॉन्डियां और जिन चीजों पे हम बात करते हैं, हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो हमने कभी उस चीज पे इस तरह से बात नहीं की। आपने बात की कल्चर की। कल्चर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो पहले डिफरेंट था, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का हिस्सा था, तो उसका कल्चर, वो जो लोग थे जो पहले आके पाकिस्तान में रहे, उनका कल्चर ही डिफरेंट था, उनका रहन सहन ही डिफरेंट था, उनके सोचने का अंदाज ही डिफरेंट था। अब जो है वो डिफरेंट लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, और मजहब आप जैसे देख रहे हो कि मजहब को लेकर और से और स्ट्रिंजेंट और से और एक्सट्रीम बनते जा रहे हैं लोग,
और होता यही है, क्योंकि जब तक आप पढ़ते नहीं हो, जैसे कि ये साहब आए थे रेहान जी, तो इन्हों को इन्होंने पढ़ी नहीं थी, इन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है। जब आपके टेक्स्ट में कोई चीज लिखी है, राइट, अगर कोई किसी को मारता है तो वो बंदा कहेगा गलत है व्हाटएवर, मगर अगर उसको दिखा दिया जाए कि नहीं, देखो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं मार सकता हूँ, तो तुम मुझे कौन होते हो कहने वाले कि मैं नहीं मार सकता हूँ, तो वो एक तरह से जस्टिफाई हो जाती है वो चीज, राइट। तो वी जी टॉक अबाउट, हमारा कभी ये मकसद नहीं होता कि हम मुसलमानों को टारगेट करें या हिंदुओं को टारगेट करें। अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उस आइडियोलॉजी को, उस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि औरत को मारना गलत है। गेज, आपको खुद भी पता है कि गेज और लेस्बियन होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में नहीं है, मगर हम समझते हैं कि देखिए हर किसी को ये हक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, हर किसी को ये हक होना चाहिए कि आप अब जिसको आपने बेडरूम के अंदर आपको किसको लेके जाना है उसमें हमारा कोई बिजनेस ही नहीं है, जैसे यूएस में होता है, कनाडा में होता है, वी डोंट केयर कोई क्या कर रहा है, ठीक है ना। गोरों को क्या फिक्र होती है, गोरों का भी कल्चर, क्योंकि सारी रिलीजन शुरू से ही एक तरीके की चीजें फॉलो करती रही है, क्योंकि एक से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी, इसने कॉपी किया, उसको कॉपी किया, उसको कॉपी किया, दैट्स व्हाई वी सी सिमिलैरिटीज स्पेशली इन द अब्राहमिक रिलीजन्स। तो क्रिश्चियंस भी पहले, औरतों पे अगर आप कोई भी रिलीजन उठाओ, हर रिलीजन ने औरतों पे दबाव रखा है, औरतों को सेकेंड क्लास रखा है, ठीक है। बिल्कुल हिंदुओं में दो तीन गॉडेसेस हैं जो भी हैं, मगर हिंदुओं में भी अगर आप उनके उसमें जाओ तो सीता को अग्नि परीक्षा जो थी वो देनी पड़ी थी प्रूफ करने के लिए कि मैं प्योर हूं, हालांकि वो गॉड थे, उनको पता चल जाना चाहिए था। फॉर मी आई एम थिंकिंग उनमें भी कोई प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी, सती की प्रैक्टिसेस होती थी, नियोग की, जो लोग कहते हैं अब नहीं होती तो आप उनके बारे में क्यों बात करती हो, मैं इस वजह से बात करती हूँ ताकि वो दोबारा ना स्टार्ट हो। देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से नहीं लर्न करेंगे तो वी आर बाउंड टू मेक दैट मिस्टेक अगेन, मतलब कि हम वही मिस्टेक फिर दोबारा करेंगे। सो यहाँ वाले लोगों ने क्या करा, इन्होंने चर्च और स्टेट को अलग कर दिया, पॉलिटिक्स में हम रिलीजन को नहीं यूज करेंगे। हालांकि अगर आपने खुद ही वो बोली कि अगर रिलीजन नहीं हो तो लोगों ने कुछ और स्टार्ट कर लेना है, तो यहाँ पॉलिटिक्स में क्या यूज करते हैं, रेसिज्म, ठीक है, LGBTQ एजेंडा उठा लिया, फिर वो ट्रांस का एजेंडा उठा लिया, इस चीज पे डिवीजन और लड़ाइयां करवा रहे हैं, रिलीजन पे नहीं करवा रहे। मगर हमारे बैक होम इंडिया पाकिस्तान में अभी तक रिलीजन को लेकर लड़ाइयां करवाई जा रही हैं, और पाकिस्तान में कुरान में तो लिटरली चीजें ऐसी लिखी हैं जिनको आप देखते हो, और तो फिर आप देखते हो कि जो मदरसों में जा रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो उनको तो जस्टिफाई किया जा रहा है कि देखो यहाँ लिखा है कुरान में, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम जहन्नुम में जाओगे और जलोगे और मरोगे। सो दैट होल थिंग इज देयर, सो वी आर हियर नॉट टू टारगेट एनीबडी। मैं ये नहीं कहती कि भाई आप मुसलमान नहीं रहो, आप छोड़ दो, नो, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर पीसफुल, क्योंकि अगर नहीं होते तो नोबडी वुड बी अलाइव स्टिल, सो दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से, नथिंग एल्स। मगर आई रियली रियली एंजॉयड कि आप यहाँ पर आई, एंड आई रियली लाइक इट, लड़कियां जो मैं हमेशा आपके बातें सुनती हूँ, और मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ। बस मैं असल में बस मैंने सिर्फ ट्राई की कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने ले लिया तो मैंने बोल दिया। बाकी मेरा किसी पे भी कोई टारगेट का वो नहीं है, मैं सभी को मानती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा मुल्क इसीलिए, पाकिस्तान इंडिया इसीलिए पीछे है क्योंकि उनकी सोच वहीं तक है, इसीलिए बिल्कुल वो तरक्की नहीं कर सके। और ये उनका अलमिया है, जिस दिन वो इस बात को समझेंगे उस दिन वो तरक्की कर लेंगे। अब कनाडा, अमेरिका या दूसरे मुल्क इसीलिए तरक्की कर गए क्योंकि वो इस चीज से बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने मजहब को सेकंड रखा, इंसानियत को पहले रखा है, ठीक हाँ है। और हम लोग मजहब को पहले रखते हैं, इंसानियत को दूसरे, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। तो हमें अभी बहुत उस चीज को समझने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर मजहब के लोग इस चीज को समझेंगे। और जहां तक कुरान की बात है, तो असल में कुरान का जो मतलब जो लफ्जी चीजें है ना, उसको समझना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, क्योंकि इवन के जब आप कोई भी लाइन पढ़ते हो ना, इवन के वो हिंदुओं की जो किताब है, मुझे उस किताब का नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं, गीता किताब शायद बोलते हैं उसको, या क्रिस्टर्स की जो बुक है, या हर एक की जो बुक है ना, उसको समझने में एक आम बंदा नहीं समझ सकता उसको।
अगर मैं और आप, हम लोग इवन की हिंदू की बुक गीता को भी पढ़ेंगे ना, हमें एक लाइन को पढ़ेंगे, हमें लगेगा यार ये बड़ी अजीब बात की है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उसके अंदर को समझने के लिए, एक हमें बहुत सूझबूझ वाला बंदा, एक समझदार बंदा जो उस चीज को पता है कि इसका क्या मतलब है, वो किसी भी रिलीजन में बहुत कम लोग होते हैं। हम ये कहते हैं कि मुसलमान को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में, वो कब इजाजत थी, आप उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, वो कुरान देखिए 1400 साल पहले आया, वो 4 शादियों का जिक्र उस टाइम पे ज्यादा इसलिए था कि वो एक जंग का जमाना था, और बहुत सारी औरतें, जाहिर है उस जमाने में औरतें इतनी इंडिपेंडेंट तो नहीं थी, जॉब तो नहीं करती थी उस टाइम पे, तो औरतों के पास कुछ भी नहीं था, तो वो जो है उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि जंग में बहुत सारे मर्द जाते हैं, वो वहां पे मारे जाते हैं, और बहुत सारी औरतें पीछे जो है वो बेवा रह जाती हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, तो उस टाइम पे ज्यादा हुक्म था कि जो, क्योंकि मर्द कम थे औरतें ज्यादा थी, उस जमाने में ये चीज उतरी, और वो चीज आज के जमाने में कैसे अप्लाई होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो उसमें मैं नहीं अपनी बताऊंगी, क्योंकि मैं भी वो चीज नहीं जानती। उस चीज को समझने के लिए हमें वाकई उस ऐसा बंदा चाहिए जो वाकई सच्चाई से उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, समझ रहे आप? तो हम वो इन किताबों को समझना, सारी मजहबी किताबों को समझना एक आम आदमी के बस में नहीं है, मैं ये समझती हूँ, उनके मतलब को समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है। यू नो व्हाट, मैं आपको एक बात बताऊं क्यों? क्योंकि जब इस्लाम कबूल करना होता है ना किसी भी मुसलमान को, तो इतना सब कुछ थोड़ी समझाना पड़ता है। आप बस बिस्मिल्लाह यानी कलमा पढ़ो और आप मुसलमान बन जाते हो, तो उसमें कोई समझने की जरूरत नहीं होती है उस वक्त। ये तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई आपको ये समझने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। हालांकि एक बंदा जो पाकिस्तान के किसी गांव में बैठा होगा, जिसने 3 जमात भी नहीं पढ़ी होती, वो मौलवी बन जाता है सिर्फ बैठ के वहां पे इस्लाम पढ़ाता है, और वो इस्लाम कुरान में खुद साइंटिफिक चीजें ऐसी जो गलत लिखी हुई हैं उनको बता रहे होते हैं। ये तो एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ था मौलाना साहब का, जो कह रहे थे कि पता नहीं सूरज जो है वो दुनिया के गोल घूम रहा होता है और कि दुनिया जो है वो फ्लैट है, यू नो, या ऐसी चीजें कि मीटियोर जो है वो जिन को जो है बम मार रहे हैं, यू नो, फरिश्ते बम मार रहे हैं जिनों को, तो ऐसी बातें खुद लिखी हुई है, राइट? तो व्हेन वी गो इन टू डिटेल्स विद कुरान, देन वी सी ऑल दीज मिस्टेक्स भी दिख रही होती है ना हमको। तो दैट्स व्हाई आई वर टॉकिंग अबाउट, अगर 4 औरतों की भी अगर शादी उस वक्त नहीं थी, इस वजह से, क्योंकि उस वक्त ये लोग, हम मुझे मेरे ये आर्ग्यूमेंट जब होता है तो लोग यही कहते हैं कि भाई इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि हमको ये नहीं पता चलेगा बच्चा किसका है, औरत क्यों नहीं 4 शादी कर सकती, राइट? तो ये आर्ग्यूमेंट आता है। मगर अब कुरान को सकी नहीं पता था कि फ्यूचर में जाके डीएनए टेस्ट हो सकते हैं, अब तो पता चल सकता है कि किसका बच्चा है, यू नो, किस बंदे का बच्चा है, क्या नहीं है। फिर कुरान आपको ये भी कहता है कि कुरान इज फॉर द होल टाइम, यानी वो हमारी हमेशा के लिए है, ठीक है ना, कुरान हमेशा के लिए बना है। और अगर आप ये क्लेम करती हैं कि उस वक्त ज्यादा औरतों की तादाद थी, तो ठीक है, वो खत्म हो जानी चाहिए थी प्रैक्टिस, मगर वो प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई। वो आज भी लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं, बगैर इजाजत के भी कर रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गले काट के भी कर रहे हैं, यू नो, तो लोग अभी भी कर रहे हैं। कि आजकल की तारीख में तो 4 औरतें यानी औरत भी 4 शादी कर सकती है, क्योंकि यू देन यू विल नो द कौन है उसका बाप। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इस पे तो बहुत सी डिटेल में बात हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई वी पिक बिट्स एंड पीसेस। जैसे कि आज जो बात हो रही थी वो इनके साथ हो रही थी, ये वर्स जो है वाइफ बीटिंग। नाउ मैं हमेशा हर किसी से पूछती हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इन विच कॉन्टेक्स्ट यू लिव इन द वेस्ट, इज इट ओके टू हिट अ वुमेन, इज इट नॉट बेटर कि आप उस औरत से, अगर आपको औरत इतना तंग कर रही है, तो उससे अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, बनिस्बत कि आप उसके ऊपर हाथ उठाओ। मैं आपसे एग्री करूंगी बिल्कुल, आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल ऐसा ही होना चाहिए कि बजाय इसके कि आप हाथ उठाएं, आप खामोशी से जो है वो डिवोर्स लें और साइड पे हो जाए। चलें, थैंक यू सो मच असमा जी, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, होपफुली आप दोबारा आइएगा, इसी तरह से आती रख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी चलो ठीक है, थैंक यू जी, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।